नंबर ऑफ फोटोन्स, तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स है। तो अगर आपके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक फोटोन हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाऊंगा, दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना करंट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉइंट नंबर वन। फिर हमने डिस्कस किया था इंटेंसिटी के बाद, कई लोग दूसरे बैच में कंफ्यूज हो गए थे इस बात को लेके कि आपने इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ तो लीनियर प्लॉट किया, इसमें इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ कर्व कैसे हो गया। तो रूल नंबर वन, ये इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ इंटेंसिटी का नहीं है, ये ग्राफ पोटेंशियल का और करंट का है। इंटेंसिटी तो वैसे बताई हुई है कि एक रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा एक रेडिएशन की इंटेंसिटी कम है, बट अदरवाइज ये ग्राफ इंटेंसिटी का नहीं है। तो मैंने ये बताया था अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर दो रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा और कम है कुछ इस तरीके से, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों के फोटोन्स की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि दोनों फोटोन्स की एनर्जी सेम है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं विद हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर भी दोनों के लिए सेम है, इनको रोकने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ई इंटू वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ई इंटू वी नॉट से ये रुकेंगे, वी नॉट मीन्स रिटार्डिंग या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इतनी एनर्जी अप्लाई करके इनको मैं रोक पाऊंगा, जितना ज्यादा हाफ एम वी स्क्वायर ज्यादा होगा उतना स्टॉपिंग ज्यादा होगा, और हाफ इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। लेकिन अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटेंसिटी कितनी है, पार्टिकल 10 आ रहे हैं या 10,000 आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है, एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है इलेक्ट्रॉन की, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है। तो पॉइंट क्लियर है। तो इसीलिए अगर इंटेंसिटी एक की ज्यादा एक की कम, तो नो डाउट इंटेंसिटी ज्यादा से करंट ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। इंटेंसिटी का कम का मतलब करंट कम, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। वही कह रहा हूं, इंटेंसिटी पे डिपेंड ना करने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पे या इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटोन्स एक ही बात है इसमें। नेक्स्ट, इसमें मैंने क्या बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी एक की ज्यादा एक की कम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक का ज्यादा एक का कम। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी दोनों की सेम है, तो इंटेंसिटी सेम का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी सेम है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? समझ आ रहा है? नेक्स्ट है, और लास्ट मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ये बताया था कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, तभी इलेक्ट्रॉन भागेगा, जो भागेगा उसी को रोकोगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ही तब जनरेट होगा, तब शुरू होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया यहां तक? अब हमने कुछ लॉज किए थे, मैं लॉ को एक बार जल्दी से बता देता हूं कि किसी मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। पॉइंट नंबर वन इज क्लियर। सेकेंड रूल ये बोलता है थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो एमिशन होगा, कम फ्रीक्वेंसी एमिशन नहीं होगा। थर्ड रूल, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब अगर मेरी एक फोटोन में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल पाएगा, अगर मैं 10,000 फोटोन भी ले आता हूं तो भी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालेगा, 10,000 का कोई लेना देना नहीं। तो अगर मेरी फोटोन की एनर्जी ज्यादा है तो मैं इसको तेज मूव करवाऊंगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मेरी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना फोटोन्स पे, नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है, इसकी एनर्जी मेरी गिवन फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटोन से इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया यहां तक? और लास्ट है, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये मुझे मालूम है। नेक्स्ट है, इसके अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं।
फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट है, और बची हुई एनर्जी किस फॉर्म में दिखाई देगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और कई बुक्स ऐसे लिखती हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। वी मैक्स इसलिए लिखती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम एनर्जी से मूव करता है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर दी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। वी के पैर में मैक्स नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, लगा दोगे तो अच्छे, ठीक हो गए यहां तक। अब एच न्यू नॉट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, तो एच न्यू नॉट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी नॉट। मैं ऐसा लिख सकता हूं ईवी नॉट, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को अगर खत्म करना है इलेक्ट्रॉन की तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब आप ई इंटू वी नॉट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? ये चीज क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ये मैंने क्या लिखा, मतलब मैं यहां तक तो क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस एनर्जी को खत्म करने के लिए यू हैव टू अप्लाई रिटार्डिंग पोटेंशियल ईवी नॉट, यहां तक भी क्लियर है? अब रही बात क्वांटा की, क्वांटा कुछ नहीं है कि एनर्जी के पैकेट्स को ही क्वांटा बोलते हैं, एनर्जी के पैकेट्स क्वांटा होते हैं, तो आप इसको टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। तो एक तरीके से एक क्वांटम या एक फोटोन एक ही बात है, एक क्वांटम की रेडिएशन को हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्वांटा का मतलब ही क्या है, टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी ही है। हम क्वांटा वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हर फोटोन की एनर्जी फिक्स्ड है, एक लेवल में है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो मैं बोल सकता हूं कि उसकी एनर्जी एच इन टू न्यू है, फिक्स्ड है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। नॉर्मली क्वांटा नहीं, नॉर्मली हम पैकेट से बोलेंगे या फोटोन से बोलेंगे, सफिशियंट है इसमें। तो ये इक्वेशन क्लियर है जो मैं लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा लिख दी, मेरे को लिखना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म, पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाफ एम वी स्क्वायर कैन बी रिटन इन द टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ई टाइम्स वी नॉट। चलो अगर हम इसकी सुन लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इक्वल है। पहला केस है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। जो लॉज हमने चार लॉज डिस्कस किए थे उनको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है। पहला लॉ था, पहला लॉ के अकॉर्डिंगली इफ वन फोटोन इजेक्ट्स वन फोटो इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स। पहला लॉ बोलता था कि अगर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी ज्यादा है। इसका रीजन दे रहा है क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, तो अगर आप 100 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना चाहते हो तो आपको इंटेंसिटी को क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा, पहला लॉ ये है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन सिर्फ यही है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, बस। क्लियर है यहां तक रवेश, समझ आ रहे हैं यहां तक? पहला लॉ था क्या, समझ आ रहा है ना? पहला लॉ ये बोलता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट करने हैं इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल ठीक, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब फोटोन ज्यादा, फोटोन ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पहली एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, अगर ये इससे कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशहोल्ड है, तो इट मींस व्हाट, इट मींस काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। थ्रेशहोल्ड का कॉन्सेप्ट समझा दिया, और लॉ नंबर टू यही बताता था थ्रेशहोल्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। थर्ड है कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। तो थर्ड लॉ अपने आप ही एक्सप्लेन हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी,
और इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती. ये तीसरे लॉ की एक्सप्लेनेशन है. क्लियर यहां तक? और नेक्स्ट है लास्ट, फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज कंसिडर्ड एज एन इफेक्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन. तो जो टाइम लैग है, जो टाइम लैग होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ऑलमोस्ट जीरो होता है, बहुत छोटा होता है. तो फोर्थ लॉ भी यही बोलता था कि जैसे ही एक फोटोन टक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन उसी टाइम चल पड़ेगा. तो इसको वो कैसे देख रहे हैं, टू पार्टिकल्स और इलास्टिक कोलिजन में टाइम लैग क्या होता है, कम होता है. तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इन चार लॉस को मैथमेटिकली. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है कि अब रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल. कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? रिटार्डिंग पोटेंशियल. रिटार्डिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल एक ही बात है. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मैं आपको करवा चुका हूं. अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. हमने किया ऐसे, हमने कहा था एच न्यू इज एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू आ गई. अगर आप इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी को खत्म करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग रिटार्डिंग पोटेंशियल. और कितना रिटार्डिंग पोटेंशियल? ई टाइम्स वी नॉट. पॉइंट क्लियर है यहां तक अमन? ये चीज सबको क्लियर है? तो मैं अगर इसको रोकना चाहता हूं तो मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा. तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अभी टॉपिक बात मत किया करो यार, बोलो फिर क्या पूछना है. तो रिलेशन किसका किसका आ गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल का, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का. कुछ नहीं याद करना आपको, बेसिक इक्वेशन याद है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, बस सारा कुछ वहीं से होगा. ये तो फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा. अब इसमें एक काम और कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख लिया, सी बाय लैम्डा और सी बाय लैम्डा नॉट. लैम्डा नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. यहां तक क्लियर है? तो आपके पास ये भी एक फॉर्मूला बन गया. जैसे याद करना यार वैसे याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेल मैंने उड़ा दिया, देखो असाइनमेंट में से उड़ा दिया ना, अच्छा किया. सेल में ऐसे ही हर साल कराता था, पता लगा सिलेबस में नहीं है. इसके होगा तो मेरे को बता देना, वैसे है नहीं, सेल इज नॉट इन अ सिलेबस. ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस. अब रेडिएशंस की दो नेचर है, इसके ऊपर आते हैं जो कि चैप्टर का नाम भी है. तो फिनोमेना लाइक, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, कैसे पता लगा दो नेचर है. कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. इनकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की बाय कंसीडरिंग दैट रेडिएशन इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. लाइट इज ईएम वेव, ठीक है, एक वेव नेचर, एक वेव नेचर. सो इट मींस मैं बोल सकता हूं कि रेडिएशंस आर ऑफ वेव नेचर. जबकि रेडिएशंस हैं उनकी क्या नेचर है, वेव नेचर है, क्योंकि ये फिनोमेनास वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. नेक्स्ट है फिनोमेनास ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अभी डिस्कस किया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पर निकालता है, एक वेव एक इलेक्ट्रॉन पर निकालती है, ऐसे कोई नहीं बोलता. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना, क्रॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला, वैसे क्रॉम्पटन इफेक्ट भी होता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, इसमें केमिस्ट्री का एक फिनोमेना है, शायद पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से आएगा. एक और है ब्रैग्स लॉ, सुने ब्रैग्स लॉ, वो भी करेंगे. चलो वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैसे वो ब्रैग्स लॉ वेव ऑप्टिक्स के साथ है, वेव थ्योरी मानते हैं. चलो अभी इसको डिस्कस करूंगा. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे जो फिनोमेनल्स हैं वो ये मानते हैं कि कोई पार्टिकल है जो एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इसका मतलब उसका पार्टिकल नेचर है. तो कुछ जगहों पर पार्टिकल नेचर मानना पड़ता है, कुछ जगहों पर वेव नेचर मानना पड़ता है. तो इसका मतलब इसका क्या नेचर है, ड्यूअल नेचर है. अब ड्यूअल नेचर तो मैंने बोल दिया, बट एग्जैक्टली किसी ने देखा तो नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है. तो कोई एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जो क्या करे, जिससे प्रूव हो जाए कि दोनों नेचर्स हैं. अभी करते हैं, उससे पहले
डी ब्रोगली का ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है, ये आपने सुना भी होगा केमिस्ट्री में। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कि मूविंग मटीरियल या मूविंग पार्टिकल सम टाइम्स एक्ट एज अ वेव एंड सम टाइम्स एक्ट एज अ पार्टिकल। तो जो मूविंग पार्टिकल है वो कभी कभी वेव की तरह एक्ट करता है, कभी कभी पार्टिकल की तरह। केमिस्ट्री में सुना होगा मूविंग इलेक्ट्रॉन कभी कभी वेव की तरह, कभी कभी पार्टिकल की तरह। करके देखेंगे अभी। कोई भी मूविंग पार्टिकल दो तरीके से मूव करता है। दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, तो डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया था, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसकी अगर वेवलेंथ निकालनी है तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, एच डिवाइडेड बाई एम वी। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, ये कहां से निकाला उसने ये फॉर्मूला? डेरिवेशंस ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, इंपॉर्टेंट मार्क करो प्लीज। क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली एनर्जी क्या होती है? एच इंटू न्यू होती है, एनर्जी इज एच न्यू, और एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों को उसने इक्वेट कर लिया, एच न्यू इज एम सी स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, मास आ गया। नेक्स्ट, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास मैंने निकाल लिया, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है, रेडिएशन की बात कर रहा है ये, स्पीड ऑफ लाइट, मल्टीप्लाई करो, एच न्यू बाय सी आ गया। एच न्यू बाय सी में इस न्यू को नीचे ले जाओ, ये गलत है, करेक्शन है, तो क्या बन गया? सी बाय न्यू। इस न्यू को मैं नीचे ले गया सी के नीचे, तो सी डिवाइडेड बाय क्या आ गया? न्यू हो गया। और सी बाय न्यू क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा तुम्हें पास क्या आ गया? पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। ठीक है यहां तक? तो लैम्डा वेवलेंथ इज एच डिवाइडेड बाय पी, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास वेवलेंथ का। बंद करने है तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया वेवलेंथ का, वेवलेंथ का एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम एम वी। बोलो। नहीं ऐसा है, ये ना दोनों नेचर को लेके चल रहा है। ये कह रहा है एक पार्टिकल मूव कर रहा है, और डी ब्रोगली ने तो बताया था कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है ना उसकी दोनों नेचर हो सकती है। अगर आप उसको पार्टिकल लेके चलते हो लेकिन वो वेव की तरह भी एक्ट करता है, तो अगर वो वेव की तरह एक्ट करे तो उसका लैम्डा ये होगा। पर पार्टिकल तो लीनियर मोशन में है, एमवी, पार्टिकल तो एमवी के साथ मूव कर रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो लैम्डा आएगा वो ऐसे आएगा। दोनों नेचर को माइंड में रखना है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये वेव है, आप कहोगे कि सर वेव का कॉन्सेप्ट, वेव की इक्वेशन क्या है? अगर मैं कहूंगा नहीं पार्टिकल है, फिर आप कहोगे कि सर वेवलेंथ कैसे आ गई? इसका मतलब टॉपिक का नाम क्या है? ड्यूअल नेचर है। तो अगर दोनों नेचर है तो अगर आप एक्चुअल में तो पार्टिकल ही मूव करेगा, लेकिन कभी कभी मूविंग पार्टिकल्स एक्ट लाइक वेव, तो उसकी जो भी वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? वो एच अपॉन एम वी होगी। ये बोलने की कोशिश कर रहा है। अब इसको उसने इलेक्ट्रॉन पे लगाया। इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन के केस में सपोज करो इलेक्ट्रॉन को चलाने है मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे देनी है? बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल वी। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल नहीं है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। मैं कह रहा हूं मैंने चलाना है, अगर मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन मूव करे, मोमेंटम गेन करे, तो मेरे को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा वी। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ई इंटू वी। तो मैंने ई इंटू वी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन चल पड़ा हाफ एम वी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ टू ई वी बाय एम। सही, टॉपिक के अंदर करना क्या है? वेवलेंथ किसकी निकालनी है? मूविंग इलेक्ट्रॉन की। अगर वेवलेंथ मूविंग इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप थोड़ा मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो मूव करवाना पड़ेगा बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल। सही, वेलोसिटी आ गई,
تو لیمڈا اس نے بتا دیا تھا موونگ پارٹیکل کا ایچ اپون ایم وی، ویلوسٹی کی ویلیو یہاں پٹ کر لی ان ٹرمز آف پوٹینشیل، سالو کرو آنسر آ گیا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایچ اپون، یا یہ ایکسپریشن یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چلو اس میں ویلیوز پٹ کر لو، آپ کو ویلیو پتا ہے ایچ کی، ماس کی، چارج کی، پوٹینشیل وی مجھے معلوم نہیں، ڈیپینڈ کرے گا کتنا آپ اپلائی کرو گے. سالو کرو گے اس پورے ایکسپریشن کو تو یہ لیمڈا آئے گا، پلیز اس کو یاد کر لینا، 12.27 اپون انڈر روٹ آف وی ایکسٹرون. تو یاد رکھنا کسی بھی الیکٹران، کوئی بھی الیکٹران جب موو کرتا ہے تو اس کی جو ویو لینتھ ہوتی ہے لیمڈا، اس کا فارمولا کیا آ گیا، 12.27 اپون انڈر روٹ آف وی ایکسٹرون. کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ یہ پوائنٹ سب کو کلیئر ہے؟ ٹھیک سمجھ آ رہا ہے نا یہاں تک؟ تو 12.27 اپون انڈر روٹ آف وی اینگسٹرم، جتنا زیادہ وی اپلائی کرو گے الیکٹرون کا لیمڈا اس کے اکارڈنگلی چینج کرے گا. ٹھیک، ڈیریویشن آتی ہوتی ہے اس کی پروف کرنے کو، یہ والی آتی ہے، الیکٹرون کا لیمڈا کافی بار آیا ہوا ہے. اب نیکسٹ ہے ایکسپیریمنٹل ڈیمونسٹریشن آف ویو نیچر آف الیکٹرانس. دیکھو اب یہ امپورٹنٹ کر لو پلیز مارک، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، ڈیوسن اینڈ جرمر ایکسپیریمنٹ ہمیشہ آتے ہیں. ڈیوسن اینڈ جرمر دو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایکسپیریمنٹ کے تھرو یہ چیز جو ہائپوتھسز ہے نا کہ موونگ الیکٹران بہیو لائک پارٹیکل، بہیو لائک ویو، جو آپ کے مائنڈ میں کنفیوژن چل رہی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ میتھمیٹکلی کر کے دیکھا کہ ڈی بروگلی نے جو کام کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا. تو انہوں نے ایک کام کیا، ایک الیکٹران کو موو کروایا. الیکٹران جب موو کر رہے تو انہوں نے کیا کیا، الیکٹران کی ویو لینتھ نکال لی دو طریقے سے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس ایکسپیریمنٹ کو دو طریقے سے سالو کیا. ایک یہ مانتے ہوئے کہ الیکٹران جب موو کرتا ہے تو اس کی کون سی نیچر ہے، ویو نیچر ہے، اور دوسرا جب الیکٹران موو کرتا ہے تو اس کی کون سی نیچر ہے، پارٹیکل نیچر ہے. ٹھیک، ہاں پارٹیکل کی ویو لینتھ نکالے گا. وہ کیسے نکالے گا؟ ڈی بروگلی نے جو آنسر دیا پارٹیکل کا دیا، ڈی بروگلی نے جو آنسر دیا نا 12.27 اپون انڈر روٹ آف وی، یہ اس چیز کو لے کے کیا کہ اگر کوئی پارٹیکل موو کر رہا ہے، پارٹیکل موو کر رہا ہے تو اس کی ویو لینتھ یہ ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ویو موو کر رہی ہے تو میں ویو کا کانسیپٹ لگا کے ویو لینتھ نکالوں گا. وہ کہہ رہا ہے میں ویو کو نہیں، مجھے پتا، مجھے نہیں ویو آتا چیپٹر، میرے کو ایک چیز پتا ہے اگر کوئی پارٹیکل ایم وی کے ساتھ موو کر رہا ہے اگر وہ ویو کی طرح ایکٹ کرے تو یہ اس کی ویو لینتھ ہے. تو یہ جو اس نے ایکسپریشن دیا یہ اپنے مائنڈ میں کیا رکھ کے دیا کہ الیکٹران کی کیا نیچر ہے، پارٹیکل. ڈیوسن اینڈ جرمر نے کیا کیا، الیکٹرانس کو موو کروایا، ان کو ویو کی طرح دیکھا، ویو کا کانسیپٹ لگایا، ڈیپ پول کا کانسیپٹ نہیں لگایا، ویو کا کانسیپٹ لگایا. جو بھی ہم لگائیں گے ویوز اتنا ٹریٹ کریں گے، ویو کا کانسیپٹ لگا کے لیمڈا نکال لیا. ڈی بروگلی کو دکھانے کے، ڈی بروگلی کیا بول، انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیا، ایک بیم آف الیکٹرانس لی، بیم آف فوٹونز ہوتی ہے، بیم آف فوٹونز لائٹ ہے اور لائٹ ایک ویو کی طرح ایکٹ کرتی ہے. انہوں نے اپنے من میں سوچا کہ جیسے لائٹ ایک فوٹونز ہے ایسے کام کرتے ہیں، لیب کے اندر الیکٹران کی بیم ریلیز کرتے ہیں، الیکٹران کی بیمز ہیں. اب الیکٹران کی جو بیمز آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں دے ول ایکٹ لائک اے ویو. انہوں نے کچھ انٹرفیرنس جیسا فینومینا کیا، مطلب ایک بیم آف الیکٹرانز کی انٹرفیرنس کر کے دیکھی اور وہ ہوئی، انٹرفیرنس ہوئی. اور اگر انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس کا مطلب موونگ الیکٹرانز از ایکٹنگ لائک، جب انٹرفیرنس ہو سکتی ہے اس کا مطلب ویو آپٹکس کا فینومینا لگ رہا ہے، آپٹکس تو نہیں بول سکتے پر ویو کا فینومینا لگ رہا ہے، کر کے دکھاؤں گا ابھی کیسے ہوئی وہ نہیں پر ہوئی. تو اگر انٹرفیرنس کا کانسیپٹ لگ رہا ہے، سپر پوزیشن لگ رہی ہے کہیں نہ کہیں، اس کا مطلب ویو نیچر ہے. تو اس کانسیپٹ کو یوز کر کے انہوں نے لیمڈا نکال لیا، سائڈ پہ لکھ لیا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک، ڈی بروگلی نے بھی کچھ کہا تھا، بنا ویو نیچر، بنا ویو کو ٹریٹ کیے پارٹیکل نیچر ہے، پارٹیکل کا ایم وی ان کو معلوم تھا،
پارٹیکل نیچر سے 12.27 اپن انڈر روٹ آف وی سے انہوں نے لیمڈا نکال لیا سیدھا شارٹ کٹ لگا کے, کیونکہ یہ جو 12.27 والا فارمولا ہے یہ پارٹیکل نیچر کا لیمڈا نکالنے کا فارمولا ہے. انہوں نے اپنا کوئی اپنا ایکسپیریمنٹ کیا ویوز کا اور یہ دیکھا کہ دونوں ایکسپیریمنٹ کرنے سے لیمڈا کی ویلیو دونوں میں کیا رہی ہے ایگزیکٹلی سیم. تو یہ پروو ہو گیا کہ چاہے آپ ویو کے تھرو اپنا کام کر لو یا آپ پارٹیکل مان کے اپنا کام کرو, آنسر دونوں میں کیا آئے گا ایگزیکٹلی سیم. تو اس کا مطلب ماننا پڑا کہ موونگ پارٹیکل کی دونوں نیچرز ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آ رہا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس ایکسپیریمنٹ میں؟ کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ بڑا کنفیوزنگ ہے, اگر میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس میں. تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کرنے کیا چاہ رہے ہیں. آگے بھی سن لو, الیکٹران کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر دیا, مان لیا ہم نے لیب میں کہ الیکٹران کے دونوں نیچرز ہیں. اب اس چیز کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا کہ اگر موونگ الیکٹرانز دو نیچر شو کر سکتے ہیں تو موونگ فوٹونز بھی دو نیچر شو کر سکتے ہیں. اب فوٹون کے اوپر ایکسپیریمنٹ تو میں کر, فوٹون کو کیسے کنٹرول کروں, وہ کون سا پوٹینشیلز اپلائی کر رہے ہیں, پوٹینشیل سے موو کر رہے ہیں. تو یہ رزلٹ کو تھوڑا سا اور بڑا کیا جس میں یہ بتایا گیا دیٹ اگر سپوز کہ اگر موونگ جو الیکٹرانز ہیں ان کی دو نیچر ہے تو موونگ فوٹونز کی بھی دو نیچر ہو سکتی ہے, بٹ یہ جو آپ کا رزلٹ ہے وہ موونگ الیکٹرانز کے لیے ہی ہے. ٹھیک,
एक्सपेरिमेंट में देखो, एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनना, शुरू में ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये प्योर एक्सपेरिमेंट ही है और इसमें थोड़ा सा बस एक आइडिया ही मिलेगा आपको, मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले आपको इलेक्ट्रॉन की बीम चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन की बीम के लिए आपको एक गन लेनी पड़ेगी जिसको इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगी। क्या प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन गन का, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं, पर अगर आप मुझसे पूछो तो रूल ये है कि आप यहाँ एक बैटरी लगाओ, माइनस प्लस या जो भी आपने लगाई। आपने क्या किया, यहां पर सपोज एक जो भी इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ऐसे करेंगे कि यहाँ ये वाला एंड कैथोड होता है, ये वाला एनोड होता है, आपका इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आता है, यहां से अट्रैक्ट हो जाता है और बीच में हम क्या करते हैं, इसमें छोटी सी ओपनिंग रख देते हैं, सो दैट आपका इलेक्ट्रॉन इस ओपनिंग में से होता हुआ बाहर निकल जाए। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन गन का, और जितना ज्यादा पीछे से मैं वी अप्लाई करूंगा, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी उतनी ज्यादा और उतनी तेजी से ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाने वाले, इलेक्ट्रॉन गन कैसे काम करती है, बस इतना समझ आना चाहिए कि अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से मूव करेगा, मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से मूव करवाना, तो मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से मूव करेगा, स्लो करेगा, फास्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा अब कितना आपने पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक हो गया, अब शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन गन ली, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, एंड ये एक क्रिस्टल रखा हुआ है जिसको निकल क्रिस्टल बोलते, निकल है चेक करने का मुझे, निकल है ना, चेक करना एक मिनट, हाँ निकल क्रिस्टल है, निकल ही होगा यार, बिना सोचे बोल रहा हूं तो पक्का निकल होगा। एक ही टॉपिक ऐसे हैं जो ना साल में एक बार होते हैं, वैसे तो कई साल से हो रहे हैं, दिमाग नहीं लगता ना, मतलब ऐसे ही बोलना होता है बस, तो वो एकदम निकल निकला तो निकल ही होगा, तो एकदम याद हो जाती है चीजें। तो निकल क्रिस्टल है, तो निकल क्रिस्टल लिया और निकल क्रिस्टल के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने स्ट्राइक करवाया। अब ध्यान से जरा देखना है चीज को कि जब हम निकल क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक, तो निकल क्रिस्टल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है, और निकल क्रिस्टल को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ ऐसा क्रिस्टल है, कुछ इस तरीके का मैं डायग्राम बना रहा हूं जिसमें एटम्स हैं और ये सब कुछ है। ठीक, आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, टकरा रही है और जा रही है। अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन बीम कितनी तेजी से आ रही है, कि वो कितना पेनिट्रेट करेगी और किस निकल के क्रिस्टल की लेयर है एटम्स की, उससे स्ट्राइक करके वापस आएगी। ठीक, ये डिपेंड करेगा आपके पोटेंशियल पे, जितना हाई पोटेंशियल उतनी हाई एनर्जी, जितनी हाई एनर्जी उतनी पेनिट्रेशन ज्यादा। ठीक हो गया यहां तक। अब इसमें उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन गन है, निकल क्रिस्टल है, इलेक्ट्रॉन बीम आई, टकराई, चली गई, और एक क्या लगा हुआ है यहां पर, डिटेक्टर। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, एक डिटेक्टर। डिटेक्टर बेसिकली क्या करेगा, जो टकरा के इलेक्ट्रॉन है उनको कलेक्ट करेगा और आपको बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हुए पर सेकेंड। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिटेक्टर, और हाँ इसकी स्कैटरिंग होगी, ये तो एक लाइन है, ऐसे स्कैटरिंग होगी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर। जब आप डिफरेंट डिफरेंट वी अप्लाई करोगे, ज्यादा कम तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर स्कैटरिंग होगी। ये डिटेक्टर जहां भी स्कैटरिंग होगी ये घूमता रहेगा, आपकी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग को ये क्या कर देगा, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग को ये काउंट करेगा और देखेगा कि इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा किस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी है। ठीक हो गया, डिटेक्टर का रोल पता लग गया इंटेंसिटी बताने का। गन से निकल का कुछ नहीं होगा, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वही आ रहे हैं और वही जा रहे हैं, बस मूविंग पार्टिकल। हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर रहे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर रहे कि फोटोन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही स्कैटर होके वापस जा रहे हैं, बस
और मूविंग पार्टिकल इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही है। हम वेवलेंथ भी किसकी निकालेंगे, अपनी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही निकालेंगे, अलग अलग एंगल्स पे। क्या नहीं ऐसा होता है, डिपेंडिंग कितनी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, स्कैटरिंग एंगल चेंज हो जाता है, ज्यादा एंगल चेंज हो जाएगा। कम करोगे वी, ये एनर्जी कम करोगे, ये एंगल, ये जो एंगल है ना स्कैटर होने का ये वाला, ये फाई चेंज हो जाएगा, ये फाई चेंज हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट वी की वैल्यूज पर, पोटेंशियल्स पर, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, लेकिन वो कौन रीड करेगा, डिटेक्टर अपने आप बताएगा कितना एंगल है। मैक्सिमम 180 है, तभी तो बना रखे हैं 180। फाई की वैल्यू, जाना और आना नहीं, वो नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक्सपेरिमेंट आपके सपने में भी नहीं आएगा कि ऐसा भी कुछ किया होगा किसी ने। अब 2 मिनट देखो, इसके रिजल्ट देखो कितने जबरदस्त है। मान लिया उसने कर दिया, उसका रिजल्ट सुनना कि उसने क्या देखा। ठीक है, अभी तो एक कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ। अब ध्यान से देखना कि यहां से रिजल्ट आया क्या। उसने क्या किया, उसने कुछ वैल्यूज, कुछ क्या पता नहीं कितनी 100 वैल्यूज पर ये काम किया होगा। पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, वी बढ़ता गया। 1 वोल्ट पे देखा इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 2 वोल्ट पे इंटेंसिटी कितनी आई जाके आने की, 3 वोल्ट पे क्या हुआ, 4 को क्या, 5, 6, 7, करते 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 44 वोल्ट पे क्या हुआ, 48 वोल्ट पे क्या हुआ, 54 वोल्ट पे क्या हुआ, 60 वोल्ट पे क्या हुआ, 80 वोल्ट पे क्या हुआ, 100 वोल्ट पे क्या हुआ, एंड सो ऑन। उसने इंटेंसिटी बनानी शुरू की। ठीक है, और ये ग्राफ आपको अजीब से लग रहे होंगे, ये पता नहीं क्या शो कर रहे हैं। मैं आपको इन सारे ग्राफ को मिला के दिखाऊंगा ये क्या शो कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ये ऐसे कुछ शो कर रहे हैं कि जब आपका पोटेंशियल, मैं आपको रिजल्ट बताता हूं इस एक्सपेरिमेंट का, जब आपका पोटेंशियल कम था, लेट से 5 वोल्ट था, 6 वोल्ट था, 10 वोल्ट था, 20 था, 44 था, 54 था, 66 था, 78, कुछ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैंने देखा इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पर कम थी, फिर इंटेंसिटी यहां पर ज्यादा हुई, ज्यादा हुई, ज्यादा हुई, ज्यादा हुई, और यहां पर क्या हुई, मैक्सिमम हुई। यहां पर 54 वोल्ट एक स्पेशल वैल्यू आई उसकी एक्सपेरिमेंट में। 54 वोल्ट पे जो डिटेक्टर ने इंटेंसिटी जो मेजर की वो क्या की, मैक्सिमम की। कोई डाउट इसमें? जैसे 54 वोल्ट से ज्यादा हुआ वोल्टेज, तो कम होनी शुरू हो गई इंटेंसिटी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या लॉजिक है, ये पहले कम से ज्यादा, फिर ज्यादा से कम। ठीक, इन सब इंटेंसिटीज का ग्राफ जब प्लॉट किया तो उनका ग्राफ देखो क्या आया, 54 वोल्ट पे ये ग्राफ आया। अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे, इंटेंसिटी कम कम कम, समझ आया, ऑप्टिक्स की नजर आ रहा है इसमें, इंटरफेरेंस ही नजर आ रही, डिफ्रैक्शंस, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा मिनिमा मिनिमा, इधर से भी कम होती जा रही है इंटेंसिटी। ये तोड़ तोड़ के ग्राफ ना रखें, ये 4-5 आपके जो उसमें है, एक्चुअल में जब सबको मिलाओगे तो आपका ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी, ये जो एक्सेस है, ये किसका है, इंटेंसिटी का है, इंटेंसिटी का है। तो 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा देखी गई इलेक्ट्रॉन की, फिर उसके बाद कम देखी गई, कम देखी गई, कम देखी गई, एंड कम देखी गई। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि कुछ मैक्सिमम मिनिमा की बात होने वाली है। ठीक है, यहां तक तो अब ये एकदम दिखाई नहीं देती इंटेंसिटी, जैसे ये बेसिकली डिटेक्टर की जो वैल्यूज है ना उनको प्लॉट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली इंटेंसिटीज का ये आइडिया मिला आपको। अब उसने और स्टडी करने की कोशिश की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वोल्टेज कम थी इंटेंसिटी कम थी, वोल्टेज 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आ गई और फिर वोल्टेज बढ़ाने पे कम कैसे हो गई। तो उसने देखा, इधर देखो प्लीज, पहले उसकी रिजल्ट्स की बात सुन लो जो मैंने आपको बता चुका हूं, अब वो अपने तरीके से बताएगा। फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंटल कर्व फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन, क्या इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग,
different different phi per different different intensity hai, aur different different phi means ye kyun differ kar raha hai, kyunki piche se voltage ki value differ kar rahi hai, v differ kar raha hai. To ab different different intensity pe different different angle hai, always a bump or a kink occurs in a curve at phi is equal to 50 degree. The angle which is scattered beam makes with the incident beam, the bump is observed to be maximum. Means, जब आपने ये intensities का graph plot किया, तो आपने देखा कि ये सबसे best curve था आपका, जब आपका जो phi की value है, इसमें कितनी है? 50, और voltage या potential की value कितनी है? 54 volt. ये उनकी observation थी. इसके beyond जाओगे या उससे पहले जाओगे, intensity की value क्या रहेगी? कम रहेगी. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस ये वैल्यूज आपने याद रखनी इस एक्सपेरिमेंट में. ये खास वैल्यूज थी 54 वोल्ट और phi is equal to 50 डिग्री, ये याद रखने स्पेशल वैल्यूज हैं. अब ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ दिस बम्प गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड. वोल्टेज 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, जब तक कर रहे हो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, बम्प बढ़ता जा रहा है. मींस ये वैल्यू कर्व बढ़ता जा रहा है. लेकिन This size becomes maximum. The voltage की value कितनी होगी? 54 volt. Maximum आ गया. Size of bump start decreasing with further increase in accelerating voltage. तो इसे कम शुरू हो गया. Intensity की value कम होनी शुरू हो गई. अगर आप voltage की value 54 volt से ज़्यादा करोगे. आगे explanation. जब उन्होंने ये सोचा ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसकी explanation उन्होंने देखी. उन्होंने कहा, इधर ध्यान से देखना. Appearance of bump in a particular direction is due to what? Constructive interference of electrons scattered from different layers of regularly spaced atom of crystal. अब देखो, ध्यान से देखो प्लीज. हमने waves के phenomena पढ़े, interference. हमने एक interference पढ़ा interference के अंदर ही. एक हमने स्टडी किया डिफ्रैक्शन का फिनोमेना. अगर आप इसी फिनोमेना को ऑयल फिल्म के अंदर करो, वो जो ऑयल जो हमने छोड़ दी, फॉर्मूला मैंने बता दिया था पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, वो भी इंटरफेरेंस थी. तो उसके अंदर कैसे इंटरफेरेंस है, कैसे मैक्सिमम मिनिमम के फॉर्मूलाज आए, करके देखना पड़ेगा. ऐसी केमिस्ट्री के अंदर जब क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और आते हैं, जाने और आने की वेव आपस में इंटरफेयर कर जाती है, और आपके सामने जो इंटेंसिटी आती है कभी मैक्सिमम आ जाती है, कभी मिनिमम आ जाती है. बात समझ में आ रही है कि कभी आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाती है, कभी आपकी इंटेंसिटी मिनिमम. तो आपकी जब वेव जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जाके वापस आती है, तो जाने और आने वाली वेव्स इंटरफेयर करती हैं. ठीक बोलो, ये होना चाहिए, एंगल पे डिपेंड करेगा. देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अलग अलग लेयर से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. कोई फर्स्ट लेयर से आ रहा है, कोई सेकंड से आ रहा है, कोई थर्ड से आ रहा है, पार्ट डिफरेंस हो जाते हैं एक एटम से और नीचे वाले एटम से, जिस वजह से इंटेंसिटी चेंज हो जाती है. ये मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश भी की थी, ब्रैग्स लॉ बोलते हैं इसे. ब्रैग्स लॉ सुन लो लवेश. नहीं लवेश, वो मेरे को भी नहीं पता जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना. एग्जैक्टली मैंने नेट पे, मेरे पास उसकी वेब पेजेस पड़े हैं, मेरे पास इस लैपटॉप पे नहीं है. अगर मैं दो मिनट में जाऊंगा आपको दिखाऊंगा, अभी दो मिनट में मैं डाउनलोड किया हुआ है. मैंने कोशिश की हुई है कि ब्रैग्स लॉ को एक बार देखें कि कैसे काम कर रहे हैं, पर जब मैं ब्रैग्स लॉ को डिटेल में गया तो मैंने देखा वो तो कुछ और ही और तरफ चल पड़ा. क्रिस्टल ऐसा क्यों था, क्रिस्टल की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, मतलब बहुत चीजें हैं जिसमें पार्ट डिफरेंस निकलेंगे. तो इन शॉर्ट जो मैं बताना चाहता हूं आपको ये है कि आप इसकी डिटेल में बिल्कुल मत जाना, कोई क्वेश्चन ब्रैग्स लॉ पे आता नहीं. पूरे सिर्फ इस टॉपिक में एक लाइन आपको याद रखनी है, वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी. अगर आप समझना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च करना इस ब्रैग्स लॉ को, आपको कोई बुक ब्रैग्स लॉ नहीं बताएगी. हाँ आपको कंडीशन देगी मैक्सिमा कब होता है, मिनिमा कब होता है, लेकिन वो कंडीशन कहां से आई उसका प्रूफ आपको कहीं केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री भी नहीं कहूंगा, किसी नेट से आपको किसी ट्यूटोरियल में हाई लेवल उसमें सीखना पड़ेगा. ठीक, तो मैं नहीं करवा रहा हूं कि वो कैसे हो रहा है. हाँ अभी डायग्राम में वो जरूर दिखाऊंगा आपको.
بٹ مان لیا کہ کچھ ایسا انٹرفرنس کا فینومینا لگتا ہے ایٹمز اور الیکٹرونز میں, تب یہ ریزلٹ آ رہا ہے. تو کتنے اینگل پہ لگ رہا ہے وین فائی از اکول ٹو 50, ہم اپنا ایکسپیریمنٹ فکس کر لیتے ہیں کہ میں اپنا ایکسپیریمنٹ کب کروں گا, جب فائی کی ویلو کتنی ہوگی 50 اور وولٹیج کی ویلو کتنی ہوگی 54 وولٹ. تو جب فائی 50 ہے تو میں نے یہ دیکھا, جب فائی کی ویلو 50 ہے تو اس کیس میں اس کو میں نے ڈرا کیا تو یہ اینگل برابر آئے اور یہ اینگل تھیٹا تھیٹا پلس تھیٹا پلس فائی از اکول ٹو 180. اور اگر 550 ڈگری ہے تو تھیٹا کی ویلو کین بی کیلکولیٹڈ, اور جو میں نے تھیٹا یہاں سے کیلکولیٹ کیا تو تھیٹا کی ویلو میرے پاس کتنی آئی 65 ڈگری. آپ کہو گے سر تھیٹا کو کیلکولیٹ کیا, فائی کیو سے کام چل رہا تھا, میں نے نہیں کیا. اگر بریگز لا لگانا ہے نا تو کرسٹل کے ساتھ وہ اینگل نکالنا ہوتا ہے جو کہ کتنا ہے تھیٹا, مطلب ریفلیکشن کا اینگل نہیں نکالنا ہوتا فائی کتنے اینگل پر الیکٹرون چلے گئی, اینگل نکالنا ہوتا ہے کرسٹل کے ایکسس کے ساتھ. کرسٹل کا ایکسس آپ کو بنانا پڑتا ہے کہ آپ کس مینس ویو فرنٹ لیتے ہیں نا ڈیفریکشن میں, ایسے کرسٹل کا ایکسس ہے جس کے ساتھ وہ تھیٹا نکالنا ہوتا ہے. آپ کو یاد کرنا پڑے گا یہ بھی کہ جو سائڈ کا اینگل ہے وہ تھیٹا ہے, کیونکہ بریگز لا کے اندر فائی کے ساتھ کیلکولیشن نہیں ہے, بریگز لا کے اندر تھیٹا کے ساتھ کیلکولیشن ہے. تو اس لیے میں نے تھیٹا نکال لیا. لویش پلیز دھیان سے بالکل فوکس مت ہٹانا, ٹھیک, اینڈ میں ریزلٹ ابھی بنے گا, چنتا مت کرو. تھوڑا سا فلکچویشن ہے اس میں, تھوڑی تھوڑی چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں کہ یار یہ یاد کرنا پڑے گا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب میں بھی پڑھاتا ہوں تو میرے کو بھی اچھا نہیں لگتا یہ بتاتے ہوئے کہ اس کو یاد کر لینا, ٹھیک, بہت کم چیزیں ہیں, لیکن اس کا میں ہیلپ ہی نہیں کر پاؤں گا. آپ میں دم ہے, آپ جاؤ اور میرے کو بتانا کہ کیسے ہوگا, آپ خود ہمت ہار جاؤ گے, کیونکہ میں اتنے سال سے پڑھا رہا ہوں اور میں یہ کام کر چکا ہوں. میں یہ گوگل پہ جو کرنے والا کام ہے نا میں کر چکا ہوں اور سب دیکھ چکا ہوں کہ ان دی اینڈ اس کے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. تو بہت بہت گوگل کہیں کا کہیں ٹاپک لے جاتا ہے, ان دی اینڈ میں نے آبزرو کیا کہ اس کو کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو آپ ایسی اس کو یاد کرو 65 ڈگری. تو اب میں اپنا ایکسپیریمنٹ ایک خاص ویلیو پہ کر رہا ہوں, وولٹیج کتنی چل رہی ہے میرے ایکسپیریمنٹ میں 54, میں سب سے میکسیما کی بات کر رہا ہوں جس کو سینٹرل میکسیما بولتے ہیں. ایک گراف لے لو, کوئی گراف لے لو, تو میں نے 54 وولٹ والا لے لیا, جو فائی کی ویلیو کتنی تھی 50 اور جب تھیٹا کی ویلیو کتنی آئی 65. اور آخری بس ایک لائن اور آپ کو یاد کرنی پڑے گی, اکارڈنگ ٹو بریگز لا, سارا چکر بریگ نے ڈالا ہے جس نے تھیٹا ہم سے 65 ڈگری لیا, اور فرسٹ میکسیما, کیونکہ ہم میکسیما جنریٹ کر رہے ہیں نا جب انٹینسٹی کی ویلیو کیا آئی سب سے زیادہ, اور فرسٹ میکسیما اس سے بول رہا ہوں کیونکہ یہ سینٹرل والا پوائنٹ, سینٹرل کے کیس میں اس میں این از اکول ٹو 1 پٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا 2D sin theta is equal to n lambda. This is the condition for maxima in Bragg's law. تو جب کرسٹل سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو میکسیما کی کنڈیشن 2D sin theta n lambda. فرسٹ میکسیما کی بات کر رہے ہیں تو n is equal to 1, اور d کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹینس بٹوین اٹامک پلینس. یہ اٹامک پلینس کیا ہوتے ہیں, جیسے یہ ایٹمز ہیں, یہ ایٹمز ہیں, اور جو نیکسٹ پلین بنے گا ان کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے اس کو ڈی بولتے ہیں. ایک لیئر اور دوسری لیئر کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے وہ ڈی ہے, جو کہ نکل کرسٹل کے لیے 0.91 اینگسٹرم ہوتا ہے. تو یہاں سے میں نے ڈی پٹ کیا, تھیٹا میں نے کیا پٹ کیا 65 ڈگری پٹ کیا, اور میں نے یہاں سے کیا نکال لیا, لیمڈا نکال لیا اس ویو کا ایک پرٹیکولر اینگل پر. کسی بھی طریقے سے بس لیمڈا نکلا اور اس کی ویلیو کتنی آئی 1.66 اینگسٹرم. اب فائنلی آگے آپ کو آتا ہے, اب ڈی بروگلی سب کو معلوم ہے, اس نے بتایا تھا کہ ان سائنٹسٹ کے چکر میں مت پڑنا, یہ بہت دور سے آپ کو گھما کے لائیں گے, پتہ نہیں ویو لیں گے نہیں لیں گے, پھر بریگ لا بھی نہیں بتائیں گے. تو آپ ایک کام کرو, میرے طریقے سے کرو, الیکٹرون موونگ پارٹیکل ہے تو ایک کام کرو, کتنے ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے ہمارا 54 وولٹ پہ, آپ سیدھا وی کی جگہ 54 پٹ کرو, دیکھو آنسر ایگزیکٹلی کیا آئے گا, سیم آئے گا. تو جب انہوں نے دونوں طریقوں سے لیمڈا نکالا, ایک ویو کے فینومینا سے اور ایک پارٹیکل کے فینومینا سے, تو دیکھا کہ لیمڈا دونوں میں سیم ہے, اس کا مطلب الیکٹران ایک موونگ پارٹیکل ہے جس کی کیا نیچرز ہیں, دونوں نیچرز ہیں, ویو نیچر بھی ہے اور پارٹیکل نیچر بھی ہے. یہ ایٹمز کے بیچ میں, جیسے یہ ایٹمز ہیں, یہ ایٹم ہے, ڈسٹینس بٹوین ٹو ایٹمز, پلینس, اٹامک پلینس, ان کے بیچ میں ڈسٹینس ہے. یہاں تک کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹ؟ ڈائگرام میں ابھی دو منٹ میں لے کے آ رہا ہوں, ابھی ایک بار اس کو ختم کر دیتے ہیں. As two
results are in remarkable agreement. The experiment establishes the wave nature of electron in a particular and of a particle nature in general. So, कह रहे हैं कि in general इसकी particle nature ही है, लेकिन कुछ phenomena ऐसे हैं जिसमें इसकी wave nature भी है in particular. तो आपको बिल्कुल ऐसी करके आना है. पहले आपने diagram बनाना है, फिर आपने उसकी observations लिखनी है, फिर observations के बाद आपने explanation लिखनी है, और फिर यहाँ तक करना है. और ये आना जरूर है, और ये competition में नहीं आता, ये सिर्फ CBSE का topic है. ठीक. Next simple है, frequency निकालो, energy पता है, apply कर लेना, E is equal to H into nu, frequency आ जाएगी, छोड़ दो इसे. Next है calculate energy and momentum of wavelength given है. अगर wavelength given है और lambda की value given है, angstrom को meter में convert कर लिया, energy is hc by lambda, energy आ गई, hc और lambda सब पता है, energy आ गई. momentum क्या होता है, अभी हमने discuss किया था, h by lambda, क्योंकि de Broglie के accordingly lambda क्या होता है, h divided by p, तो p is equal to h by lambda, put कर लेना, आपके पास momentum आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक बहुत ही basic है, कोई problem नहीं है इसमें. next है threshold frequency, यानी कि क्या given है, न्यू नॉट गिवन है. तो आपको क्वेश्चन में न्यू नॉट गिवन है इतना. इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या गिवन है, न्यू इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज, क्या निकालना है, रिटार्डिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो मुझे एक चीज बताओ, एच न्यू किसके इक्वल है, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, या हाफ एम वी स्क्वायर इज एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, ई इंटू वी नॉट. याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में, इसको भूल जाओ, इनको इक्वेट कर लो. गिवन है, गिवन है, पता है मुझे, ई भी पता है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी नॉट. ठीक है ना, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल कैसे निकलेगा, क्लियर है. तो इन वैल्यूज की हेल्प से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल. नेक्स्ट है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन falls on a sensitive plate with photoelectric work function. क्या गिवन है, W not given है. This is W not. This is lambda. Energy of photon निकालो. भाई अगर lambda पता है तो H C by lambda करके किसका part, कौन सा part आ जाएगा, first part आ जाएगा. Clear हो गया. मैं solve नहीं कर रहा हूँ, मतलब understood है कि इसमें क्या करना है. H C by lambda से एक photon की energy आ गई. नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड. अब काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या करेंगे, फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच सी बाय लैम्डा, ये एच न्यू एक ही बात है, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू क्या, वर्क फंक्शन प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर. ठीक, सेकेंड पार्ट में ये निकालना है, वर्क फंक्शन गिवन है, ए पार्ट से एनर्जी निकल जाएगी क्योंकि लैम्डा गिवन है, ये पता है, ये पता है, माइनस करके काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. यहां तक क्लियर है. एक चीज का और ध्यान रख लेना कि अगर आपकी एनर्जी जूल में चल रही है, जैसे 4 × 10⁶ जूल, आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे बाय, बिल्कुल ठीक. प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि एक तरफ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलता है और हाफ एम वी स्क्वायर जूल में आ जाता है, या एच इन टू जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं एच सी बाय लैम्डा, तो ये भी एनर्जी किसमें देगी आपको, जूल में. तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवाइड करके किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है ना यहां तक. और नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो. अगर आपने बी पार्ट में क्या निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल कर देना है, ई इंटू वी, ये आपको पता है, ये आपको पता है, वी नॉट आ जाएगा. सही, यहां तक स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा. मेथड क्लियर है, देखो इस न्यूमेरिकल ने आना जरूर है और आपको मजा आ जाएगा इसकी असाइनमेंट करके, क्योंकि किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे मैं आपको भी सैंपल दिखाता हूँ. कॉम्पिटेटिव में, मतलब चाहे AA EEE चाहे BMT चाहे,
کچھ بھی ہو ہم کہتے ہیں نا 60% آئے گا آپ کے دو کوشچن وہاں سے آئیں گے چار بار. میں بھی آپ کی کیلکولیشن فیل کر کے دکھاتا ہوں, دو منٹ رکو. زیادہ کلیئر ہے؟ نیکسٹ نیکسٹ دیکھو. الیکٹرک فیلڈ ایسوسیٹڈ ود ا مونو کرومیٹک بیم آف لائٹ بیکمز زیرو. نہیں غلط کوشچن ہے, یہ ہے اسائنمنٹ میں کوشچن آپ کا غلط ہے, غلط کوشچن ہے. یہ ہے نیوٹران از این انچارج پارٹیکل آف ماس گیون. ڈی بروگلی ویو لینتھ نکالو, کائنیٹک انرجی پتہ ہے, آسان ہے. کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے؟ ہاف ایم وی اسکوائر. یہاں سے مجھے معلوم ہے کائنیٹک انرجی کا ایک اور فارمولا ہوتا ہے, پی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2m. تو پی از اکول ٹو انڈر روٹ آف 2m انٹو ای. ٹھیک ہے نا, ایسے کرتے ہیں نا. تو یہ فارمولا صحیح لکھا ہوا ہے. پی کی جگہ میں نے کیا لکھ لیا؟ ایم وی. مومنٹم آ گیا انرجی کی فارم میں. لیمڈا کیا ہوتا ہے؟ ایچ اپون ایم وی. ایم وی کی جگہ انرجی کی فارم میں گیون ہے, گیون ہے, گیون ہے. انرجی یہاں سے کس کی ویلو آ جائے گی؟ لیمڈا کی. ٹھیک ہے, یہاں تک لیمڈا آ گیا. نیکسٹ ہے یو وی لائٹ ہے جس کی ویو لینتھ گیون ہے. فرام 100 واٹ مرکری سورس ریڈیٹس ا فوٹو سیل میڈ اپ آف مجھے پتا نہیں کیا ہے. از اسٹاپنگ پوٹینشیل از گیون, کام کی چیز ہے. اسٹاپنگ پوٹینشیل گیون ہے وی ناٹ. لیمڈا گیون ہے. کیلکولیٹ ورک فنکشن آف ا میٹل. میرے کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے, اگر لیمڈا گیون ہے تو ایچ سی بائی لیمڈا سے ٹوٹل انرجی آ گئی. تو ایچ سی بائی لیمڈا از اکول ٹو ورک فنکشن پلس کیا لکھوں؟ ہاف ایم وی اسکوائر. ہاں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ای ٹائمس وی ناٹ. ہاف ایم وی اسکوائر لکھ لو یا ای انٹو اسٹاپنگ پوٹینشیل لکھ لو, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے یہاں تک. اب آپ کو کوشچن میں پتا ہے, یہ بھی پتا ہے, یہ بھی پتا ہے. آپ کو ورک فنکشن پتا ہے؟ نہیں, یہی نکالنا ہے, یہ نکالنا ہے. آپ کو وی ناٹ پتا ہے, آپ کو ای بھی پتا ہے. کیا جائے گا؟ ورک فنکشن آ جائے گا. سمجھ آ رہا ہے شیون امر؟ کلیئر ہے نا یہاں تک کہ ورک فنکشن کیسے نکلے گا؟ اکویشن تو بار بار وہی یوز ہو رہی ہے نا. آپ کچھ بھی کر لو, یا تو ایچ سی بائی لیمڈا انرجی ہے یا پھر ایچ انٹو نیو انرجی ہے. کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ تو اس میں اے پارٹ تو ہو گیا. نیکسٹ ہے ہاؤ وڈ دی فوٹو سیل ریسپونڈ ٹو ہائی انٹینسٹی. دیکھو اس میں انٹینسٹی کا کوئی رول نہیں, انٹینسٹی کا اس میں کوئی رول نہیں. کہہ رہا ہے کہ بتاؤ اس ریڈ لائٹ کو کیسے ریسپونڈ کرے گا فوٹو سیل اور لیمڈا کی ویلو گیون ہے. ریسپونڈ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ تو پوچھ رہے کہ کیا اس میں فوٹو الیکٹرک افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہاں تک آپ کو بس یہ چیک کر کے بتانا ہے کہ فوٹو الیکٹرک افیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو میں کیا کروں اس کو چیک کرنے کے لیے؟ میرے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تھریش ہولڈ ویو لینتھ کی. ٹھیک ہے نا یہاں تک. میں نے ریڈ لائٹ کی اتنی ویو لینتھ پھینکی, یہ ویو لینتھ ہے. میرے کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ویو لینتھ سفیشینٹ ہے کہ نہیں. تو مجھے ایک چیز بتاؤ, آپ کو ورک فنکشن اے پارٹ میں آپ نے نکال لیا, ورک فنکشن آ گیا. ورک فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ایچ سی بائی لیمڈا ناٹ. لیمڈا ناٹ کا مطلب تھریشولڈ ویو لینتھ. ورک فنکشن سے جو ویو لینتھ آئے گی وہ تھریشولڈ آئے گی. اے پارٹ سے نکل گیا, پتہ ہے, پتہ ہے. سمجھو کس کی ویلیو آ گئی؟ لیمڈا ناٹ کی. تھریشولڈ ویو لینتھ آ گئی. ٹھیک, آپ کی ویو لینتھ کتنی ہے ریڈ کلر کی؟ کتنی کی بنے؟ سکس. یہ رہی, چلو ٹھیک ہے. یہاں تک یہ چیز کلیئر ہے؟ دھیان سے دیکھنا. اگر مان لو, جسٹ ویسے ایزیوم کر رہا ہوں ایک منٹ کے لیے, مان لو کہ اگر لیمڈا ناٹ کی ویلیو 2000 اینگسٹرم ہوتی اور آپ کا لیمڈا از گریٹر دین, آپ کا لیمڈا از گریٹر دین لیمڈا ناٹ, تو کیا فوٹو ایمیشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے. ریلیشن ہے کہ اگر نیو گریٹر دین نیو ناٹ ہے پھر ایمیشن ہوگا, یا پھر لیمڈا شوڈ بی لیس دین لیمڈا ناٹ تو بھی ایمیشن ہوگا. لیمڈا
انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے فریکوینسی کے. تو اگر فریکوینسی نیو از گریٹر دین نیو ناٹ, یا پھر اگر ویو لینتھ ریڈیشن کی لیمڈا ناٹ سے کم ہے نا, تو اس کیس میں سمجھو اس کی فریکوینسی تھریشولڈ سے زیادہ ہے. سمجھ آ رہا ہے نا یہاں تک؟ تو لیمڈا میں الٹا ریلیشن دیکھنا ہوتا ہے فریکوینسی میں سیدھا, اس کا مطلب ایمیشن نہیں ہوگا. اور ایسا ہی ہے اس کوشچن میں, آپ کا لیمڈا ناٹ سالو کر کے کم آ رہا ہے, لیمڈا زیادہ دیا ہوا ہے, ایمیشن نہیں ہوگا. ٹھیک, کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ ٹھیک ہے یہاں تک؟ یہ دیکھو آپ کا لیمڈا کہہ رہا ہے 2980, ٹھیک ہے نا, یہ اومیگا نہیں ہے, یہ ڈبلو ناٹ ہے, مطلب ڈبلو ہے, یہ جہاں جہاں اومیگا لگا ہوا ہے ڈبلو ہے. ایک سیکنڈ, اسائنمنٹ کا کوشچن نمبر کرو.